हेलो आज वाले नहीं हल्के यूट्यूब चैनल पर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पर फेमस होना है तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अकाउंट कुछ अलग तरह के दिखते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज करके वो अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं ब्लू टिक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इस मैटर को फॉलो करते हैं यानी कि आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो आप ब्लू टिक भी अपनी प्रोफाइल पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अकाउंट को वेरीफाइड कराना होता है जब भी आपको ब्लू टिक मिलता है। तो कैसे आप अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं और कैसे ब्लू टिक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट होता है क्या है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंस्टाग्राम पर हमें पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलता है। पब्लिक अकाउंट करते हैं तो फिर हमारी प्रोफाइल को सभी लोग देख सकते हैं, और प्राइवेट अकाउंट करने पर हमारी प्रोफाइल को केवल हमारे फॉलोअर्स ही देख सकते हैं। अगर कोई हमारी प्रोफाइल पर विजिट करता है तो वहां पर उनको अकाउंट इज प्राइवेट ऐसा लेकर सोच। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट में भी स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं देना होता है। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के कई सारे फायदे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर दें तो इससे होता क्या है कि आप अपने फॉलोअर्स की इनसाइट को देख सकते हैं, यानी कि आपको कितने लोगों ने फॉलो किया, किस दिन कितने फॉलोअर्स बढ़े, इस सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और इसी तरह आप अपने पोस्ट पर आने वाले लाइक्स और कमेंट को भी देख सकते हैं। और अगर आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट्स वाले भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फोन कॉल, ईमेल आदि ऑप्शन मिल जाते हैं। कई सारे लोग आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ब्रांड, एजुकेशन, क्रिएटर, एडिटर, राइटर, शॉपिंग एंड रिटेल, वीडियो क्रिएटर आदि किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें आपका अकाउंट है ना एक ब्रांड बन जाता है। और आप जानते ही होंगे किसी भी ब्रांड को वेरीफाइड बैज मिलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सरल शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं तो आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के साथ साथ अपने अकाउंट के वेरीफाइड होने के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उनको फॉलो करके आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में बदल सकते हैं। इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल में चला जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको अपनी सभी पोस्ट दिखने लगेंगे। यहाँ पे दो तरीके से आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाला एक ऑप्शन दिखेगा और यही वाला ऑप्शन आपको सेटिंग में भी दिखेगा। सबसे पहले आपको इन थ्री मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर चूज करने के बाद कुछ ऑप्शन देखेंगे जिनमें से अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाले एक ऑप्शन दिखेगा, पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बताया जाएगा इसके बारे में। देख सकते हैं कि गेट प्रोफेशनल टूल्स बेटे प्रोफेशनल अकाउंट, यू कैन गेट एक्सेस टू टूल इनसाइट अबाउट योर फॉलोअर्स एंड अकाउंट परफॉर्मेंस न्यू कॉन्सेप्ट ऑप्शन एंड मोर। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स को देख सकते हैं, रीच मोर पीपल यानी कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कई सारे कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी दिख जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ब्रांड, ब्लॉगर, क्लॉटिंग, कम्युनिटी, डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, हेल्थ एंड ब्यूटी, एडिटर, राइटर, ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग आदि कई सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। तो इनमें से आप चाहें तो अपनी पसंद की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चुन सकते हैं फोटोग्राफर वाली कैटेगरी चुन सकते हैं, यहाँ पे आप पर्सनल ब्लॉग चुन सकते हैं, राइटर चुन सकते हैं, एडिटर चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली, अगर आप अपनी रील्स वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो क्रिएटर भी चुन सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो क्रिएटर वाली कैटेगरी। आप चाहें तो अपनी पसंद की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये कैटेगरी है ना वो आपकी प्रोफाइल पर भी दिखे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद है ना डन पर क्लिक करते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएटर और बिजनेस वाला एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बेस्ट फॉर पब्लिक फ्रेगरेंस प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, बेस्ट फॉर रिटेलर, लोकल बिजनेस, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैं आपको क्रिएटर ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप रील्स वीडियो बनाते तो आप कंटेंट क्रिएटर ही होते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, आप आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्रिएटर चूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल करना है और गेट इंस्पायर्ड, ग्रो योर ऑडियंस, शेयर कंटेंट टू व्यू इनसाइट और एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल। तो यहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शन को फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी बायो नहीं डाला है, आप बायो डाल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं और आप चाहें तो इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं गाइस अभी आपकी प्रोफाइल पर कुछ ऑप्शन ऐड हो चुके हैं जो कि है ऐड टूल्स इनसाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट बनाने का ही फायदा होता है कि हम फॉलोअर्स की इनसाइट देख सकते हैं कि हमें कितने लोगों ने फॉलो किया है, कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल को व्यू किया है। तो इनसाइट ओवरव्यू में आपको अपनी इनसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट रीच, कंटेंट, इंट्रैक्शन और टोटल फॉलोअर्स आदि सभी जानकारी दिख जाती है। और यह कैटेगरी आपकी प्रोफाइल पर शो करता है तो एक प्रोफेशनल लगता है। आप यहाँ पे सभी स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को और अभी अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका जिसके बारे में मैंने कोई सी वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।